गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है? आज हम आपको एक अनुच्छेद करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं? एक अनुच्छेद। और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। और कौन सा है वो हमारा अनुच्छेद? विज्ञान वरदान या अभिशाप। क्या है? विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आज हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ये अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें ये वर्क करना है। और उसका ऊपर जो हेडिंग डालेंगे वो आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद लेखन। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद लेखन, या छोटा रूप होता है निबंध लेखन का, छोटा रूप होता है अनुच्छेद। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। आज का युग विज्ञान का युग है। देखिए बच्चों, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, क्या चीज़ है ये? क्योंकि आज का जो युग है वो किसका है? आज का युग है विज्ञान का युग। और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान के इस युग में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन और अनेक नए नए आविष्कार हुए हैं। देखिए बच्चों, विज्ञान का जो युग है, ये जो आज का युग है, इसमें क्या है? बहुत सारे चेंजिंग हो रही हैं, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। अब जैसे आप हमारी कोरोना वैक्सीन को ही ले लो, जगह जगह बनाई जा रही है, उनका ट्राई किया जा रहा है, तो ये भी एक क्या है? आविष्कार ही है। ठीक है, भाप से चलने वाले इंजन के स्थान पर विद्युत परिचालित रेल तथा मेट्रो आज भी देश की शान है। देखिए, पहले जो हमारी ट्रेन चलती थी वो किससे चलती थी? भाप के इंजन से। और आज हमारी जो ट्रेन चलती है, रेल जो चलती है, वो किससे चलती है? बिजली से। ठीक है, मेट्रो भी आपने देखी होगी ना। कंप्यूटर की शिक्षा अब मानो अनिवार्य शिक्षा हो गई है। देखिए, कंप्यूटर तो सबको आना ही चाहिए, सभी स्कूलों में कंप्यूटर भी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। आज का जो युग है वो कंप्यूटर का भी युग है। बिना कंप्यूटर ज्ञान के आज के मानव का जीवन जो कैसा हो गया है? पंगु हो गया है, यानी कि वो अपंग हो गया है। जिसको कंप्यूटर नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना आज के मानव के लिए क्या हो गया? कंपलसरी हो गया, अनिवार्य हो गया। क्योंकि सारी जगह कंप्यूटर कंप्यूटर से वर्क होता है। बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, इंजीनियरों, शिक्षाविदों, व्यापारिक वर्ग द्वारा भी कंप्यूटर का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आशय रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो आदि माध्यमों से है। इसके अतिरिक्त अस्त्र बनाने में भी विज्ञान उपयोग होता है। अतः आज की आवश्यकता इन समस्त वैज्ञानिक उपकरणों के समुचित एवं संतुलित प्रयोग की है। तभी हमारा समाज सुंदर बन सकेगा एवं मानव जीवन क्या हो सकेगा? हमारा सफल हो सकेगा। तो बच्चों, आपको इतना ये समझ में आ गया होगा, ये क्या है? हमारा अनुच्छेद है, निबंध लेखन का एक छोटा सा रूप है ये। तो आपको ये वर्क अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, ओके।